नमस्कार सभी भाई और बहनों को, करवा चौथ की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज मैंने ये अपनी शादी का जोड़ा पहना है जो कि बहुत सालों के बाद में पहना है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी मैं ज्वेलरी पहन रही हूँ, तैयार हो रही हूँ, चूड़ियाँ मैंने पहन ली हैं। तो ये देखिए, इसी तरीके से मैं तैयार होती हूँ, बिना मेकअप के, ओनली गहने और सुंदर कपड़े पहन लिए हैं, काजल और लिपस्टिक मांग लगा लिया है और मैं तैयार हूँ अभी। ये देखिए चूड़ियाँ पहन ली है मैंने, चूड़ियाँ बहुत सुंदर लग रही है, पहली बार पहन ली है। करवा चौथ की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये जो मैंने पहना है, ये मेरी शादी का जोड़ा है, बरी बोलते हैं हमारे राजस्थान में, वो बरी है। तो ये इतने दिन तो मैंने नहीं पहनी, अभी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी तो इस साल मैंने सोचा मैं यही पहनूंगी। तो चलिए आपको मैं पूरी दिखा देती हूँ कैसी है। तो ये देखिए, ये है मेरी शादी का जोड़ा, बहुत सुंदर लग रहा है मुझे तो। आपको कैसा लगा बताना जरूर। उस टाइम में इस तरीके की ये बरी होती थी, अभी तो बहुत फुल आउट वाली होती है, अभी तो ऐसे लहंगा चुनी आते हैं। पर ये बहुत सुंदर लग रही है मुझे तो, और पहनने में हल्की है तो इसको कोई भी फंक्शन पर पहन सकते हैं, इतनी भारी नहीं है तो। लेकिन इसको पहन कर खाना तो नहीं बना सकती मैं, मुझे ये बदलना पड़ेगा। अभी पूजा करूंगी, पूजा का समय होने वाला है तो पूजा करके उसके बाद में मैं ये चेंज कर लूंगी, क्योंकि उसके बाद भी खाना बनाऊंगी, फिर चांद उठ जाएगा तो उसको मैं साड़ी पहन लूंगी। तो अभी पूजा का समय हो गए हैं, तो अभी पूजा स्टार्ट करें। सारा सामान मैंने तैयार कर लिया है और चौथ माता की तस्वीर भी मैंने लगा ली है। ये सामान मैंने तैयार कर लिया है कहानी सुनने के लिए, ये फल और फूल है, ये सारा सामान तैयार कर लिया है मैंने, ये माता का श्रृंगार भी रख दिया है। तो चलिए पूजा स्टार्ट करते हैं और कहानी सुनेंगी कल्पना। इस छोटे से तकिए पर ये तकिया इसने ले लिया है, मुझे ये बहुत सुंदर लगता है, मुझे ये तकिया बहुत सुंदर लगता है। सा इसके ऊपर हमारी तस्वीर है, जैसे कि राजा रानी ओम एक बार घूमने गए थे, वहां पे ड्रेस पहनी थी, अच्छी लग रही है ना। हाँ। पहले माता के तिलक कर देते हैं, गणेश जी को भी विराजमान कर दिए हैं, तिलक निकाल दिए है। मौली चढ़ा देते हैं, लोटे के टिक्की निकाल देते हैं, कुछ निकालो जिंदगी ही कोनी, दो तीन चार। नम ठीक है, ले देते हैं। तो अभी कहानी सुननी स्टार्ट कर दी है, व्रत खोलते हैं, ये सुनकर भाभियां बोली, भाई साहब ये तो आपका चांद निकला है, हमारा चांद निकलने में अभी समय है। ये नहीं माना तो जब वो नहीं मानी तो बड़े चलो इसे भी साथ। तो अभी हमने कथा सुन ली है चौथ माता की और गणेश जी कथा सुन ली है। अभी शाम को यहाँ पे बताया गया कि 8:15 बजे चांद उगेगा, तब तक मुझे खाना बनाना है, खाना बना लेती हूँ। और ये कपड़े रखने हैं, ये कपड़े नहीं रखी है, कल्पना बोली है कि मम्मी ये कपड़े मत खोलो, चांद रख इसी से देना है, लेकिन मैं ये कपड़े पहन के खाना कैसे बनाऊंगी, कोई नहीं, सारा सामान मुझे लाकर देना होगा तुम्हें। हाँ। मैं चक्कर नहीं काटूंगी, ठीक है, साड़ी पहन लो। नहीं 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 हा? नहीं देखते हैं। तो अभी मैं बना रही हूँ खाना और पूजा होने के बाद में मेरे पापा आ गए तो उनके साथ मैंने वीडियो बनाई, फोटो खींची और इतने में ये टाइम हो गया चांद उगने का। तो ये मैंने जो दुल्हन का जोड़ा पहन रखा है आज, ये चेंज नहीं किया, पहले सोचा था चेंज करूंगी, साड़ी पहनूंगी, लेकिन ये चेंज नहीं किया। देखा मेरी तो बात सुन ली, ये कल्पना ने बोला ही था मम्मी तुम्हें यही रखना है और यही रह गया आज। अभी खाना बना लेते हैं, टाइम 8:15 हो चुके हैं, चांद उगने वाला है। और वंदना के पापा और कल्पना के लिए बना रही हूँ मैं चाय, बना रही हूँ और कल्पना को चाय दूध, चाय दूध, हाँ तो चाय दूध पी ली। तो अभी चांद उग गए तो छत पे जा रहे हैं, शाम के 9:45 हो गए हैं, 9:45 बजे 9:45 हो गए हैं।
चांद उग गया है और मम्मी पहले चांद के रंग लगाएगी। अभी चांद के रख देखी। चांद को अर्घ दे दिया है और पूजा भी कर ली। इस वीडियो का एंड मैं यहीं पर कर रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू, बाय।